वॉइस की खबर का असर हुआ है, जहां पर 15 साल से बदहाल सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नेशनल वॉइस पर खबर चलने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग हरकत में आया और उन्होंने सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया है। राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। राजेश, ये सड़क कब से बदहाल स्थिति में थी और अब जाकर जागा है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट? देखिए, आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से लगभग 15 वर्षों से यह जो सड़क है बाबूगंज से धान तक लगभग 5 किलोमीटर को बदहाल की स्थिति और जर्जर पड़ी थी। आने जाने वाले ड्राइवरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक जो स्थानीय लोग हैं, धूल और मिट्टी की वजह से उन्हें अस्थमा और घातक बीमारियां भी हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। जब यह खबर संस्था से दिखाया तो और पीडब्ल्यूडी से पहले बजट नहीं है, लेकिन ने जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं स्वाति सिंह, उनसे बात किया। इसके बाद स्वाति सिंह की पत्रकार के बाद पीडब्ल्यूडी की आंख खुली और जागने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया और बाबूगंज में कल से कार्य प्रारंभ हो गया है और इससे लोगों में काफी खुशी है। जी, तो इतनी देरी आखिर क्यों हुई, क्या इसको लेकर के भी सफाई आई है पीडब्ल्यूडी की? देखिए, पीडब्ल्यूडी का मानना है कि पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार में 6 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था, लेकिन 3 करोड़ रुपए वहाँ पे आए थे और उसका जमकर बंदा बांट हुआ था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी नेता उनके थे, ठेकेदार उनके थे, बंदर बांट हुआ जिसकी वजह से कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। इसके बाद दोबारा टेंडर हुआ, लेकिन बजट के अभाव में कार्य ठप पड़ा था। जब यही जब खबर को दिखाना शुरू किया तो अस्पतालों की खुली और बजट का अभाव बताने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीएम ने तत्काल जो इसके ठेकेदार है श्री शंकर कंस्ट्रक्शन को आदेश दिया कि पहले कार्य प्रारंभ करिए, बजट आता रहेगा। जिसके बाद यहाँ से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और कल से लगातार काम वहाँ पर चल रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि अब लोगों को दिक्कत आगे नहीं होगी, जो लोग लगातार 15 साल से करीब दिक्कत झेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ब्रजेश।